अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक डिजाइन प्रैक्टिकल्स CS302P। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन थ्योरी एंड यूनिवर्सल गेट्स, और इसके रिलेटेड यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इन 8 पॉइंट्स की अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे पास दो गेट ऐसे हैं जिन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। एक नैंड गेट है और दूसरा नॉर गेट है। ये जो नैंड और नॉर गेट हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी किस्म का सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एंड गेट इंप्लीमेंट करना है लेकिन आपके पास एंड गेट मौजूद नहीं है, तो बाय यूजिंग नैंड गेट आप एंड गेट का भी ऑपरेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से बाय यूजिंग नैंड गेट आप और गेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप नॉट गेट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से बाय यूजिंग नॉर गेट आप एंड गेट का ऑपरेशन भी ले सकते हैं, आप और गेट का ऑपरेशन भी ले सकते हैं, आप नॉट गेट का ऑपरेशन भी ले सकते हैं, और आप नैंड गेट का ऑपरेशन भी ले सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे इनका बैकग्राउंड डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर यही चीज़ है कि जो नैंड गेट है वो एंड गेट के ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये जो नेम है ये नॉट एंड से निकला। मतलब एंड गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो उससे जो ऑपरेशन हमारे पास आता है उसे नैंड ऑपरेशन कहा जाता है। और इसी तरीके से नॉर गेट के बारे में बताया गया है कि ये और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक्चुअल में ये एब्रिवेशन है नॉट और की। तो अगर हम और गेट के सामने एक इन्वर्टर लगा दें, या जिसे हम नॉट गेट भी कहते हैं, तो उससे जो हमारे पास ऑपरेशन आएगा वो नॉर गेट का ऑपरेशन आएगा। तो चूंकि इनसे तमाम गेट्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, इस वजह से इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। और इनका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं और इजीली ये अवेलेबल होते हैं, और बहुत सी ICs के अंदर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट ये बताया गया है कि नैंड गेट को यूज़ करते हुए हम बाकी गेट किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट गेट के बारे में बताया गया है, एंड गेट के बारे में बताया गया है, और गेट के बारे में बताया गया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम डायग्राम को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे एक नॉट गेट मौजूद है। इस नॉट गेट को अगर इंक्रीमेंट करना हो नैंड गेट से, तो हम एक नैंड गेट ड्रॉ करेंगे और उसके जो दोनों इनपुट्स हैं वो हम आपस में मिला देंगे। क्योंकि जो नॉट गेट होता है उसकी एक ही इनपुट होती है, नॉर्मली जो नैंड गेट होता है उसकी दो इनपुट्स होती हैं। तो इन दो को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये नॉट गेट का ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब आप इस इनपुट पे अगर मैं 1 प्रोवाइड करूंगा तो मेरे पास आउटपुट 0 आएगी, और अगर 0 प्रोवाइड करूंगा तो आउटपुट 1 आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंड गेट। तो हमारे पास अगर नैंड गेट मौजूद है, इसके आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये एंड गेट का ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। तो नॉट गेट लगाने के लिए ये ऊपर वाली इम्प्लीमेंटेशन है, इस इम्प्लीमेंटेशन को हम नैंड गेट के आगे लगा देंगे तो ये एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हमने और गेट का ऑपरेशन लेना हो बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट्स, तो उसके लिए ये 3 गेट हमें इस तरीके से लगाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक नैंड गेट होगा और उससे पीछे 2 नॉट गेट यूज हो रहे हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आप देख सकते हैं ये नॉट गेट की है। अगर इस तरीके से हम ये 2 नॉट गेट लगा दें तो जो आखिर में रिजल्ट आएगा वो एक और गेट का रिजल्ट आएगा। तो इस जगह पे एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। आपने ये सोचना है कि अगर हमने नॉर गेट का ऑपरेशन लेना हो बाय यूजिंग नैंड गेट्स, तो हम वो किस तरीके से लेंगे। एक्चुअल में सर्किट यही होगा, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो होप सो जब आप सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ना भी आए तो थोड़ी देर बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके बाद ये डिस्कस किया हुआ कि नॉर गेट को यूज करते हुए बाकी तमाम गेट्स के ऑपरेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो अगर नॉर गेट के थ्रू हमने नॉट गेट इंप्लीमेंट करना हो, तो वही मेथड है कि नॉर गेट की जो दोनों इनपुट्स हैं वो हम आपस में कंबाइन कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 आएगी, और अगर इनपुट पे 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 आएगी। नॉर गेट के थ्रू अगर और गेट का ऑपरेशन हमने लेना हो, तो इस नॉर गेट के सामने एक इन्वर्टर लगाएंगे। तो वही बात के इन्वर्टर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ ऊपर दी हुई है। इस इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हुए हम इन्वर्टर बना लेंगे, तो उसके बाद ये और गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अगर नॉर गेट को यूज़ करते हुए हमने एंड गेट का ऑपरेशन लेना हो, तो इस तरीके से पहले 2 इन्वर्टर लगेंगे और उसके आगे एक नॉर गेट आ जाएगा, तो ये एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जो थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था मैंने, उस सवाल को मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर बाय यूजिंग नॉर गेट हमने नैंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे सोच सकते हैं। तो आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ। हम इसके सामने एक और इन्वर्टर लगा देंगे। मतलब यही जो गेट इस जगह पे लगा हुआ है, इसको हम इसके आगे लगा देंगे तो ये फिर नैंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और सेम यही चीज़ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था उसी के अंदर थी। वहाँ पे चूंकि इस जगह पे
नैंड गेट मौजूद था, तो एक नैंड गेट हम इस सर्किट में एक्स्ट्रा लगा दें तो ये फिर नॉर गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट गेट्स के बारे में बताया गया। ये नैंड गेट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है इन्वर्टेड इनपुट और गेट के, मतलब और गेट से पहले अगर दो नॉट गेट हम लगा दें तो इन दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल इक्वल होगा। और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू डी मॉर्गन थ्योरम। तो ए डॉट बी होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डी मॉर्गन का थ्योरम है। इस तरीके से अगर हमारे पास एंड गेट मौजूद हो तो ये इक्विवेलेंट होता है इन्वर्टेड इनपुट नॉर गेट के, तो इसको भी आप डी मॉर्गन थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ में एक्चुअल में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और होल के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर गेट है। जब इसका ये होल वाला कॉम्प्लीमेंट ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जब ब्रेक होगा तो प्लस ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के ऊपर पहले से मौजूद है, और दूसरा ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट जब हम ब्रेक करेंगे तो इसकी वजह से आ जाएगा, और फिर कोई भी वेरिएबल जिसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट हो वो खत्म हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट गेट बताया हुआ है वो ये है कि नॉर गेट इक्वल होता है इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट के, और इसको भी आप डी मॉर्गन थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब होल कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होगा तो जो प्लस का ऑपरेशन है वो डॉट का ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है फिर कि जो और गेट होता है ये इक्वल होता है इन्वर्टेड इनपुट नैंड गेट के, और वही मिस्टेक इस जगह पे भी रिपीट की हुई है जो अभी आपको बताई थी। ये है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और एक्चुअल में ये नैंड गेट है तो कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जब ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है ये ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार। तो ये डबल बार जब आपस में आप समझ लेंगे कैंसिल हो जाएगी, या डबल बार हो तो वो रिमूव हो जाती है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है बिल्डिंग सर्किट्स यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट्स ओनली, मतलब कोई भी सर्किट हो तो इनके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एक्स डॉट जेड प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। तो इसका सर्किट आपके सामने मौजूद है, तीन एंड गेट हैं एक दो तीन, जिसमें से जो थर्ड है उसकी तीन इनपुट्स होंगी, और इसके आगे एक और गेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन हो रहा है इनके दरमियान में, मतलब एक और गेट होगा जिसकी तीन इनपुट्स होंगी। इस सर्किट को अगर हमने बाय यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये ऊपर तीन एंड गेट लगे हुए थे, इनको कन्वर्ट कर दिया है नैंड गेट में, लेकिन एक्चुअल में जब एंड गेट को हम नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है कि एक नैंड गेट और इसके आगे एक नॉट गेट आता है, और नॉट गेट को अगर हम नैंड गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो इसकी दोनों इनपुट्स हम आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे एंड गेट की जगह पे ये दो गेट आने चाहिए थे, और उसके आगे ये एक और गेट लगा हुआ है। अगर और गेट को हम नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरीके से होना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट आ जाएगा और जो इसकी इनपुट हैं वो इन्वर्टेड इनपुट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन क्रिएट होना था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इस इन्वर्टेड इनपुट के लिए भी हमने इस जगह पे एक नैंड गेट ही लगाना था, मतलब डायरेक्ट बबल हम नहीं बना सकते। एक नैंड गेट हमारे पास यहाँ पे आएगा, एक नैंड गेट हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये जो दो नैंड गेट्स हैं ये आप समझ लें आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इसी तरीके से है कि कोई वेरिएबल है उसके ऊपर दो दफा बार आ रही है, तो ये दो नैंड गेट्स यहाँ पे शो नहीं किए हुए, मतलब ये जो एक पीछे वाला नैंड गेट है वो यहाँ पे लगा हुआ है, उसके आगे जो इस जगह पे एक नैंड गेट आना था और एक यहाँ पे आना था, ये दो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और उसके बाद ये लास्ट वाला नैंड गेट शो किया हुआ। सेम इस तरीके से यहाँ पे एक नैंड गेट आना था, एक यहाँ पे आना था, और एक इस जगह पे आना था और एक यहाँ पे आना था। ये आपस में चूंकि कैंसिल हो गए इस वजह से ये शो नहीं करवाए हुए, और सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे शो किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है और गेट्स की, कि आप देख सकते हैं कि इनपुट पे तीन और गेट हैं और उसके बाद इन तीनों का आपस में एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका सर्किट आपके सामने शो हो रहा है। इसको आप कन्वर्ट करना है नॉर गेट के अंदर, तो यहाँ पे भी सेम बात होगी कि अगर और गेट को नॉर गेट में कन्वर्ट करना हो तो और गेट के सामने एक बबल लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक और गेट आएगा, और इस तरीके से ये जो एंड गेट है ये और गेट में कन्वर्ट होगा और इससे पीछे एक नॉट गेट आएगा और इसके आगे एक बबल लग जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वाला नॉट गेट
और ये वाला नॉट गेट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम इस तरीके से जो यहाँ पे दो नॉर गेट्स आने थे वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एक लैब टास्क है। लैब टास्क के लिए इन गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से बता दी गई है कि नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करना हो बाय यूजिंग नेट गेट तो किस तरीके से कर सकते हैं, एंड गेट को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो वो किस तरीके से हो सकता है, और गेट को इम्प्लीमेंट करना हो तो वो किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद सेम चीज़ नॉर गेट्स के रिलेटेड डिस्कस की हुई है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे टास्क दिया हुआ वो ये है कि ये एक सर्किट डिज़ाइन करना है, और इस सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद इसकी जो नैंड बेस इम्प्लीमेंटेशन है वो भी शो करवानी है। तो उसके लिए पहले तो सर्किट को एनालाइज कर लें। यहाँ पे इसकी चार इनपुट्स हैं ए बी सी डी। तो इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए मैं इस जगह पे चार इनपुट्स बना लेता हूँ। टॉप वाली ए है, फिर उसके बाद बी, फिर सी और डी। यहाँ पे अगर देखें तो इस पे ब्रैकेट है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी हो रहा है, मतलब और गेट यहाँ पे लगेगा, तो और गेट लगा लिया। उसके बाद ये जो और गेट है इसका डॉट ऑपरेशन हो रहा है सी वाली इनपुट के साथ, लेकिन जो सी वाली इनपुट है उस पे एक नॉट गेट लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक नॉट गेट लगा के इससे आगे एंड गेट लगा दूंगा, और यहाँ की एक इनपुट मैं इस एंड गेट पे लगा रहा हूँ और एक यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो इस जगह पे मेरे पास ऑपरेशन है ए प्लस बी, और इस एंड गेट पे ऑपरेशन हो जाएगा ए प्लस बी, ये आ गया ब्रैकेट में, और उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट ऑपरेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट डी हो रहा है, मतलब ए का डी के साथ डॉट ऑपरेशन होना है और ए पे कॉम्प्लीमेंट है। तो ए से मैं यहाँ पे एक और इनपुट निकाल रहा हूँ जिसके आगे नॉट गेट लगा के मैं इस जगह पे इसका डॉट ऑपरेशन करवा दूंगा डी वाली इनपुट के साथ। और लास्ट में ये जो दो आउटपुट मेरे पास इस जगह पे आ रही हैं, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट डी, इनके आगे एक और गेट लगेगा, तो और गेट को मैं इस जगह पे लगा देता हूँ, ये वाली इनपुट यहाँ पे आ जाएगी, और दूसरा यहाँ से ये वाली जो इनपुट थी ये इस पे आ जाएगी, और लास्ट पे ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो मेरे पास इस जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। अब इस सेम सर्किट को हमने इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नैंड गेट। तो अभी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए पहले मैं चार इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ। जो इनपुट सी है उसके बाद यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो अगर इस नॉट गेट को मैं इम्प्लीमेंट करूँ बाय यूजिंग नैंड गेट तो यहाँ पे मैं एक नैंड गेट लगा दूंगा, और नैंड गेट की जो दोनों इनपुट्स हैं वो आपस में कंबाइन कर लूंगा। तो ये इस नॉट गेट का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे आगे यहाँ पे एक एंड गेट लगा हुआ है, और इसकी एक इनपुट एंड गेट में जानी है, तो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं नैंड गेट लगाऊंगा और इसके आगे एक नॉट गेट लगाना है। तो नॉट गेट की भी वही इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हमने यहाँ पे पीछे की हुई है। इससे ऊपर ये एक और गेट है, तो और गेट को अगर नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे एक नैंड गेट आ जाएगा, और इसकी जो दोनों इनपुट्स हैं वो भी नैंड गेट के थ्रू ही आएंगी, लेकिन इन नैंड गेट की जो इनपुट्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगी। तो ये इनपुट बी है, ये इनपुट ए है, इस तरीके से हो गया, और इस नैंड गेट की जो आउटपुट है वो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। उसके आगे इस जगह पे फिर एक एंड गेट लगा हुआ है, तो इस एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे भी हमने एक नैंड गेट लगाना है, और इसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा देना है। तो नॉट गेट को अगर नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये नॉट गेट है, तो सेम यही वाली इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ ऊपर भी कर देता हूँ, और इसकी एक इनपुट यहाँ पे आ जाएगी, और दूसरी इनपुट डायरेक्ट यहाँ जो डी वाली है वो इस पे कनेक्ट हो जाएगी, और इनके आगे ये और गेट है। और गेट को अगर नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास यहाँ पे नैंड गेट आ जाएगा, और इसके इनपुट पे दो मजीद नैंड गेट्स लगेंगे, और इसकी जो एक इनपुट है वो हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी इनपुट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट सर्किट है इसे मैंने नैंड वाले सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लैब टास्क है वो है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग एंड और गेट। पहले तो ये है कि इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, इसे एंड और गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सेम ऊपर वाला फंक्शन है जो थोड़ी देर पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया था, तो वहां से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये करना है कि जो हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करेंगे उस सर्किट को हमने इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नॉर गेट्स ओनली।
होप सो कि ये काम आप कर लेंगे, तो ये खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ये टास्क भी आपके सामने परफॉर्म कर दूंगा एक वीडियो में। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टास्क पे, इम्प्लीमेंटिंग सर्किट यूजिंग नैंड गेट ओनली। कोई भी सर्किट हो और उसे हमने नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना हो, तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। हम लॉजिक कन्वर्टर को ओपन करेंगे। लॉजिक कन्वर्टर को ओपन करने के बाद हम उसके अंदर एक्सप्रेशन लिख देंगे, और एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे नैंड गेट के अंदर कन्वर्ट कर दो। जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सामने इस किस्म का एक सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि इनपुट पे यहाँ पे दो नॉट गेट लगे हुए हैं, तो इन नॉट गेट को आप खुद भी नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन में चेंज कर सकते हैं। अगर नॉट गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करना हो तो उसकी जगह पे हम ये वाला गेट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद टास्क नंबर 5 है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को नैंड गेट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर। तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में, वहाँ पे लॉजिक कन्वर्टर के अंदर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा और फिर इसको नैंड गेट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सबसे पहले तो एक इसका जो नॉर्मल सर्किट है वो क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए इस जगह पे ये फिफ्थ ऑप्शन है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। तो इसके बाद अब मैं इसका नैंड बेस्ड सर्किट ड्रॉ करूंगा, तो उसके लिए ये सिक्स्थ ऑप्शन है लास्ट वाला, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो नैंड बेस्ड सर्किट यहाँ पे आ गया, जो कि इसी के ऊपर ड्रॉ हो गया। तो मैं इसे थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि तमाम नैंड गेट ही यूज हुए हैं। सेम वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी कि यहाँ पे इन्होंने चार नॉट गेट भी शो किए हुए हैं, लेकिन इन नॉट गेट्स को आप नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये वाली इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब नैंड गेट होगा और उसकी दोनों इनपुट्स कंबाइन हो जाएंगी, तो इस जगह पे भी आप नैंड गेट लगा सकते हैं। तो इस टास्क के साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।